ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे एनटीएससी की कंटिन्यूड एफर्ट में आज हम थोड़ा सा स्ट्रेस डालेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस। एज आपका एक नंबर है, जैसे आप करते हैं। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए मैं, मान लीजिए मेरी एज एक्स है और मैं फादर हूं और आपकी एज वाई है, आप सन या डॉटर। एज के क्वेश्चन को हमेशा अपने आप पे लेके चलिए, आप पे, ठीक है। मान लीजिए मेरी आज की एज है, जो हम इस क्वेश्चन में आज की एज की बात करेंगे उसमें हम कंसेप्ट यूज करेंगे प्रेजेंट एज। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट एज। सो प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन और डॉटर। एनीवेज, देन हम चलते हैं कि आज से 5 साल बाद फ्यूचर की बात हो रही है। जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे कि 5, कुछ वर्ड्स लिखे होंगे क्वेश्चन में, 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद वर्ड आएगा 5 years हैंस। इन द फ्यूचर कुछ ऐसे वर्ड पड़ेगा, तो जितने साल वो आज से 5 साल बाद फ्यूचर की बात करता है तो उतने ईयर्स हम ऐड कर देंगे, सन में भी, डॉटर में भी और फादर में भी। ये कंसेप्ट देखने वाला है। और अगर कोई बोलता है कि आज से 5 साल पहले, तो वो बोलता है 5 years ago। तो अगो में आप बोलते हैं, अगर आपकी एज एक्स है तो आज से 5 साल पहले आपके मेरी एज एक्स माइनस 5 हो जाएगी और आपकी एज भी वाई माइनस क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो कंसेप्ट एजिस का यहीं से शुरू होता है। और हमेशा आपने, अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 5 साल पहले 5 साल बाद, हमेशा आपने एज को पहले उतनी एड या सब्ट्रैक्ट करके पहुंचना है, फिर आपने रिलेशन बनाना है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 years ज्यादा है, 3 times more है, 5 years एड है, वो कंडीशन बाद की है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन, यहां पे देखते हैं, सपोज करते हैं कि जो प्रेजेंट एज है फादर की वो सन की एज की 3 times है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। फिर आपने बोला आज से 5 साल बाद जो एज है वो 2.5 times होगी, आज से 5 साल बाद, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्व के बेस पे हम एक्स की वैल्यू यहां डाल देंगे और वाई की वैल्यू क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एज को 5 साल आगे लेके गया, फिर उससे मैंने क्या किया, रिलेशन बनाया। मैंने ऐसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व किया। सो फर्स्ट आई सेड द क्वेश्चन वॉज, आई विल रिपीट, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज मीन्स इक्वल टू 3 times द एज ऑफ द सन, 5 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ द फादर विल बी 2.5 times द एज ऑफ वॉट, सन और वॉट, डॉटर। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो मेरा आंसर आएगा वो मेरी प्रेजेंट एज आएगी। हो सकता है क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे तो बोलेगा व्हाट वाज द एज ऑफ द फादर 5 years ago, तो जितनी एज का आंसर आपको आएगा उसमें से आपने 5 साल माइनस कर देने हैं तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये नंबर ऑन एजेस क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट एक ही है, देयर वी नीड टू राइट द प्रेजेंट एज फर्स्ट, देन वी नीड टू कन्वर्ट 5 years ago और इट इज लेटर, वी नीड टू एड, देन वी कैन डू दिस। ओके, विश यू हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।